हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कप ट्रिप क्लासेस पे। तो चलिए देखिए, आज एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं, आज दो टाइप के ऐसे सवाल लाए हैं जो बराबर आपके एग्जाम में पूछा करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, देख करके भागाते हैं, छोड़ देते हैं कि ये कैलकुलेटिव सवाल है जो नहीं बनेगा। तो आज यकीन मानिए, उन सवालों का एक ऐसा निचोड़ लाया हूँ, एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिसे बवाल मच जाएगा। देखिएगा, सेकेंडों में उत्तर कर दीजिएगा। जो 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले सवाल रहते हैं ना, उनको सेकेंड में हल कीजिएगा। देखिएगा, इस वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, और बताइएगा क्या इसे सेकेंड में बनाना संभव है। जल्दी बताइएगा, ये क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या इसे सेकंड में बना दीजिएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले मैं बताता हूँ कि ये बनता कैसे है, ये समझिएगा, धैर्य के साथ समझिएगा ये बनेगा कैसे। देखिए, लिखा हुआ 1 + 1/2, फिर ब्रैकेट है, फिर 1 + 1/3, फिर ब्रैकेट है, फिर 1 + 1/4, फिर ब्रैकेट है, फिर 1 + 1/5, फिर ब्रैकेट है, डॉट डॉट कर करके 1 + 1/n तक गया है। तो इसका आंसर ढूंढने अगर सिंपल तरीका से करेंगे तो बहुत माथा पेची लगेगा। तो आइए, एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, एक ऐसा जादू बताने वाले हैं जिससे आप चुटकियों में यूं करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो समझिएगा क्या बताने वाले हैं, क्या ऐसा ट्रिक होने वाली है, समझिएगा। देखिए, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, देखिए पहले मैं थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद धराधर धाई धाई मारेंगे आंसर। क्वेश्चन देखे आंसर बताएं, क्वेश्चन देखे आंसर, बस वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए प्लीज, समझिएगा। मेरी तरफ से आपको वेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर इसका एलसीएम ले ले तो क्या निकल जाएगा, 2, फिर ऊपर हो जाएगा 3, 2 × 1 + 1 थे, उसी प्रकार बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा, फिर उसी प्रकार से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, हो जाए, फिर उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही करके डॉट 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 कहाँ तक बढ़ना है, n + 1/n तक बढ़ना। बताइए, इसका एलसीएम लेंगे तो 1n हो जाएगा, फिर n को 1 से गुना करेंगे, n + 1, यहाँ तक आइएगा कि नहीं आइएगा, बताइए, ये समझ में आया। अब आपको विश्वास हो रहा होगा कि देखिए, एक मैटर देखिए, दिमाग लगाइए किसमें क्या हो रहा है। देखिए, ये संख्या से ये संख्या कट रहा है, फिर ये संख्या से ये संख्या कट रहा है, फिर ये संख्या से ये संख्या कट रहा है, मतलब इसी क्रम में बढ़ते जा रहा है, इसी क्रम में सवाल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आने आने वाले संख्या, आगे आने वाली संख्या भी ऐसे ही क्रम में कटते जाएंगे, ऐसे क्रम में कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे। एक समय आएगा जब ये n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक समय आएगा जब ये n भी क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बच गया, तो 1 लिख दीजिए, नीचे में क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा ना, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में क्या बचा, n + 1 बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा, रखने दो, गुना कर दो प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा हमारा n + 1/2, यही हमारा उत्तर हो गया। बताइए, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते तो ये सवाल करने में दिमाग खराब हो जाता, हालत बेहाल हो जाता। तो बताइएगा प्यारे साथियों, ये ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। अब आपको इतना भी नहीं करना है, अब आपको इतना भी नहीं करना है, तो एक ट्रिक जान लो कि इसका करोगे कैसे, सेकंड में भी उत्तर कर दोगे। इतना भी नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा उत्तर करने का एक अनोखा ट्रिक क्या है, कि इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला डायरेक्ट उत्तर, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला डायरेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा है? फिर से, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला डायरेक्ट उत्तर आएगा। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, n + 1, तो n + 1 लिख दीजिए, इसका नीचे वाला क्या आ गया, 2, तो 2 लिख दीजिए, यही हमारा क्या हो गया उत्तर। बताइएगा प्यारे साथियों कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एकदम मजा आ गया होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक सवाल लाए हैं बेहद ही शानदार, आप इसे बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलेगा, समझिएगा गाइस, इसको भी समझिएगा, मैं इसको भी बेहद पहले आसान तरीका से बनाता हूँ इसको भी, ठीक है, फिर ट्रिक लगाएंगे अपना 5G मेथड लगाएंगे। देखिए, इसका अगर एलसीएम ले ले तो 5 हो जाएगा, फिर ये ऊपर में 6 हो जाएगा,
अगर इसका एलसीएम ले जाए तो 6 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 7 हो जाए, फिर अगर इसका एलसीएम ले जाए तो 7 हो जाएगा, ये ऊपर में 8, ऐसे ही क्रम बार चलते रहेगा, लास्ट में एन प्लस वन बाई क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो प्यारे साथियों समझिएगा, देखिएगा, विचार कीजिएगा थोड़ा सा, कि ये 6 से 6 कटा, ये 7 से 7 कटा, उसी प्रकार से ये 8 से 8 कटेगा, इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, एक समय आएगा कि ये एन क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। अब इधर बचा कितना, 5, ऊपर में क्या बचा, एन प्लस वन। प्यारे साथियों ये हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आइए ट्रिक जानते कि ये ट्रिक क्या है, अगर इतना लिखना पड़ेगा नर भवन ना लिखेंगे इतना, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, ऊपर वाला क्या एन प्लस वन, नीचे वाला क्या 5, यही हमारा उत्तर हो गया। तो बताइएगा गाइस कैसा लगा आपको यह वीडियो, ठीक है। अब मैं एक सवाल और आपके लिए लाया हूँ, ये बताइए, एकदम प्यारा सा सवाल, एकदम अनोखा सवाल, अगर आपको ये कोई चाहे कि हम बना ले सिंपल वे में, तो मुश्किल है, नहीं बनेगा, एग्जाम में तो ऐसे माथा खराब रहता है, आप और ये सवाल दे करके और खराब कर लोगे, नहीं करना है, ट्रिक लगाना है, वो भी मेरा ट्रिक लगाना है, कैसे समझिएगा, इसको फिर से बनाते हैं, देखिएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3, समझ में आ रहा है बाबू। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3, और यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 4, क्योंकि एलसीएम लेके जोड़ेगा तो इतना आना ही है ना है। फिर ये देखिए एक्स प्लस 4 है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, फिर देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 6। अब देखिए मजा आएगा, अब मजा आएगा, क्या मजा आने वाला, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, तो बचा क्या एक्स प्लस 6, इधर क्या बचा एक्स प्लस 1। बिल्कुल धासु ट्रिक है बाबू, एकदम बेहद समझ में आएगा, एकदम शानदार ट्रिक है, मानो तो रामबाण है, एकदम इजी से कैलकुलेशन हो रहा। ट्रिक की बात किया जाए तो इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है एक्स प्लस 6, नीचे वाला क्या है एक्स प्लस 1। चलिए आज का ये टाइप 1 का सवाल था, बिल्कुल शानदार लगा होगा, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करते चलिएगा, सेशन को शेयर करते चलिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए टाइप 2 में, कि ऐसा सवाल दिया जाएगा आपको, 2 पे पावर n दिया तो n का मान पूछ लेगा। चलिए इसको भी बेसिक तरीके से पहले करते हैं, देखिए लिखा हुआ क्या है, 1/4, फिर 2/6, फिर 3/8, फिर 4/10, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और 31/64, माथा खराब हो जाएगा अब अगर इसको 31 बार गुना करते रहिएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, तो कितना टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। तो आइए देखिएगा, काटते हैं, देखिए 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 से 4 कटा 2 बार में, 3 से 6 कटा 2 बार में, देखिए समझिएगा, यहाँ जितना लिखा हुआ है उतना ही 2 आ रहा है, फिर 4 से 8 कटा 2 बार में, यहाँ 3 लिखा हुआ तो अभी तक 3 बार 2 आया, 3 लिखा तो अभी तक कितना बार 2 आया, देखिए अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, और यहाँ पे 12 होता तो 5 दूनी 10, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो यहाँ 4, समझिएगा गौर कीजिएगा, क्या है यहाँ 1 था तो 1 बार 2 आया, 2 था तो 2 बार 2 आया, 3 था तो 3 बार 2 आया, 4 था तो 4 बार 2 आया, अब 5 है तो 5 बार 2 आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक बात समझिएगा, 31 है, इसके पहले 30 आया होगा, क्योंकि सीरियल वाइज में चला जा रहा है, कंबाइन कीजिएगा इसको, समझिएगा थोड़ा सा, ये सीरियल वाइज में जा रहा है तो 1, 2, 3, 4 कहीं ना जाके 30 आया होगा, तो यानी कि 30 बार 2 आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, 30 बार क्या आया होगा, 2 आया होगा, तो ऊपर में क्या लिखना है, 1 लिखना है, ऊपर में क्या लिखना है, 1 लिखना, क्योंकि सब तो कट ही रहा है ना। अब बताइए 2 कितना बार आएगा, 30 बार, यहां तक सबको समझ में आया, 30 कहीं ना कहीं होगा 31 के पहले 30, जब 30 है तो 30 बार 2 आया होगा, कैसे, 1 था तो 1 बार 2 आया तो 2 बार 2 आया, 3 है तो 3 बार 2 आया, 4 तो 4 बार 2 आया, तो 30 है तो 30 बार तो 2 आएगा। अब बाबू ये 64 है, तो 2 पे पावर 5 को ही तो 64 कहते हैं, 2 पे पावर 2 का 2 4 4 दुनिया 8 16 दुनिया 32 32 14 2 पे पावर 6, 2 पे पावर
2 पे पावर 6 को क्या कहते हैं, 32। देखिए यहाँ 2 पे पावर 30 है, फिर गुणा में आ जाएगा 2 पे पावर 6, अब बराबर में क्या लिखा हुआ, 1/2 पे पावर n, इतना ही लिखा हुआ है ना। तो बताइए गुणा में पावर जुटेगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 36 बराबर 1/2 पे पावर कितना n, ये दो दो मैच किया, एक एक मैच किया, तो n का मान कितना हो गया, 36 हमारा आंसर हो गया। बताइए कितना इजी वे में हल कर दिए, गुना करते रहो दिमाग खराब करते रहो उससे मतलब नहीं है, आप मेरा मेथड सुनो ना, कितना आरामदायक ट्रिक है, एकदम मजा आ गया होगा आपको समझ में, समझ में आ गया। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है आपके लिए, चलिए बनाइएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे समझेंगे, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, मेरी गारंटी है, यकीन मानिए बिल्कुल अद्भुत ट्रिक है ये। चलिएगा समझिएगा क्या लिखा हुआ, 1/4, फिर 2/6, फिर 3/8, फिर 4/10, ऐसे करके लिखा हुआ है 63/128। समझिएगा, काटिएगा 2 × 4, 3 × 6, देखिए 2 बार था तो 2 बार 2 आया, 63 से पहले कहीं ना कहीं तो 62 आया होगा, इसका मतलब 62 बार कितना आया होगा, 2 आया होगा, तो 1 पे पावर 2 पे पावर 62 लिख दीजिए, क्योंकि 2 कितना बार आया होगा, 62 बार। अब ये बताइए 128 कितना हो जाएगा, 128 कहिएगा सर 2 पे पावर 7 होता है, 2 पे पावर n होता है, तो 62 और 7 1 पे पावर 69 है ना, और 1/2 टू पावर n, तो 2 से 2 मिला, 1 से मिला, n का मान कितना हो गया, 69, ये हमारा ओवरऑल द आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ट्रिक आपको बताएं बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले, कोई भी एग्जाम में चल जा ऐसा सवाल अगर दे दे तो बिल्कुल ना छूटेगा, ना ना छूटेगा, छूटेगा कैसे रे बाबा, इतना अच्छा से तो बताया, समझ में आया। चलिए और भी क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, चलिए बनाइएगा इसको, 1/4, 2/6, 3/8, फिर 4/10, ऐसे कर करके 15/32 तक गया होगा डायरेक्ट, अब काटिए नहीं, सोचिए कि 14 कहीं तो आया होगा, मतलब 1 × 14 हुआ होगा, अब 32 है, 2 पे पावर 5 और ऐड कर दीजिए, 1 × n, 14 × 5 = 19, 2 2 मिला, 1 मिला, n बराबर 19, मारिए धाई से आंसर आ गया, खेला खत्म, ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं करना है। समझ में आया, आया नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ, करना कुछ नहीं रे बाबा, देखो 1/2 जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी काट दो, बाकी काट दो, काटते चल जाओगे तो देखो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितना संख्या है उतना बार ही 2 आता है, देखो 3 संख्या यहाँ पे तो 3 बार 2 आया, 4 है तो 4 बार आएगा, तो 14 तो 14 बार तो पहले आएगा, अब ये 32 है, ये क्या 32 है, तो 32 को 2 पे पावर 5 लिखते हैं ना, तो 14 × 5 कितना हो गया, 19 आंसर, 14 × 5 कितना हो गया, 19 हो गया हमारा आंसर। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लासेस समझ में आ गया होगा, बुझा गया होगा, भेजा में अटैच हो गया होगा, तो इसी तरीके का वीडियो मैं हमेशा लाया करूंगा, एकदम बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है, एकदम रामबाण साबित होने वाला है। चलिए तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके बाद मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।